हुक्म खुदा के पता चला नजरिया कयास नहीं है कि यहाँ पे हुक्म मिला और उसके वजह हमने सोची कि शराब हराम है मसलन, ये तो हकीकत है इसलिए कि उसमें नशा है। तो अगर अल्लाह ने खुद किसी हुक्म की वजह बता दी है जिसे इल्लत या हिकमत कहते हैं, उसकी तरफ से मुय्यन हो गई है, अब अगर वो कहीं और पाई जाए तो ये हुक्म भी वहां मुंतकिल हो जाए। मसलन शराब हराम है इसलिए कि वो अक्ल को खत्म कर देता है, शराब ये करती है कि वो कुव्वत फैसला को डिस्कनेक्ट कर देती है, यानी जो अल्लाह ने रवाबित बनाए जहन के अंदर वो कुछ हिस्सों को डिस्कनेक्ट कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शराबी अगर खुशी के मूड में है तो कहकहे लगा रहा है और हंसता ही चला जा रहा है, और अगर गमजदगी के मूड में है तो रोता ही चला जा रहा है। वो बस एक तार है जो चल रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो कंट्रोल से बाहर है। तो अब अगर कोई भी चीज ऐसी हो, चाहे शराब ना हो, लिक्विड भी ना हो, लेकिन वो अगर कुव्वत फैसला को खत्म करे और अक्ल के फैसले को खत्म कर दे, तो शराब के हराम होने की इल्लत अल्लाह ने बताई, लिहाजा वो इल्लत जहां होगी कि अक्ल मगलूब हो जाए, अक्ल कुव्वत फैसला डिस्कनेक्ट हो जाए, वो हर जगह होगी। लेकिन हर जगह अल्लाह ने हिकमतें मुअय्यन नहीं की, जब मुअय्यन नहीं की है तो अपनी तरफ से समझना कि इस हुक्म की मसलहत ये थी, अल्लाह ने रोजा इसलिए रखा था, उस वक्त बड़ी गुर्बत थी, भूखों लोग रहते थे, लिहाजा दौलतमंदों को भूखा रखा ताकि उन्हें भूख का एहसास हो, गरीबों की मदद करें। तो वो जमाना नहीं रह गया, लिहाजा रोजा वाजिब नहीं होगा। ये हमारे दरमियान है, ये बातें, यही बातें हिजाब के लिए भी हैं और बहुत मुख्तलिफ कसर के लिए भी यही बातें हैं। तो हमने अपने दिमाग से कर लिया है, तय कर लिया कि अल्लाह ने ये इसलिए रखा है, लेकिन अल्लाह ने नहीं बताया, तो अल्लाह ने नहीं बताया तो हम वहां खुद मसलहत तय करके फिर जहां वो दिखाई दे वहां वो हुक्म खींच के लगा दें, ले जाके लागू कर दें, यह नहीं होने वाला। इसे कयास कहते हैं, जो फिक्र है जाफरी में हराम है। अबानी